नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला जयपुर दौरे पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। किसानों के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। अलवर के बहरोड में खाकी से उठा आमजन का विश्वास, सब इंस्पेक्टर पर लगा महिलाओं से मारपीट करने का आरोप। रास्ते के विवाद को लेकर निपटाने को गई थी पुलिस और वहां दबंगी दिखाई। राजधानी के हल्दीघाटी मार्ग पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आई बाइक, हादसे में बच्चे की मौत, एक घायल। भीलवाड़ा की प्रतापनगर पुलिस की कार्रवाई, देह व्यापार का त्याग भंडाफोड़, कोलकाता की दो युवतियों को किया गिरफ्तार। सीकर के फतेहपुर से लापता ध्रुव मिला, 8 दिन बाद मुंबई से मिला ध्रुव, सूचना मिलने के बाद घर में खुशी का माहौल। राजस्थान में खबरें विस्तार से। सीएम राजे धौलपुर प्रवास के बाद हेलीकॉप्टर से पाली के वाली के लिए रवाना होगी। इससे पूर्व सीएम राजे ने पुलिस लाइन में सांसद मनोज राजौरिया, मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, अब्दुल सगीर, पूर्व विधायक जसवंत सिंह, जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी सहित भाजपा नेताओं से मुलाकात की। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं की समस्या सुन जिला कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रवास के दौरान सीएम राजे ने मिशन मोड पर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर सुचित त्यागी, आईजी आलोक वशिष्ठ, एसपी राजेश सिंह सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी और राज्य की वसुंधरा सरकार पर किसानों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जयपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि देश में अब तक केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण 35 लोग आत्महत्या कर चुके हैं और कर्जे से परेशान 14,000 किसान आत्महत्या करने पर आमदा है, लेकिन मोदी जी और वसुंधरा जी को किसानों की बात सुनने की फुर्सत नहीं। सुरजेवाला जयपुर पीसीसी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट भी मौजूद रहे। देश के किसानों के साथ धोखा किया, धरती पुत्र किसानों के हकों के साथ कुठाराघात कर किसान को आत्महत्या की ड्योढ़ी पर धकेल दिया। अनाज माफिया और जमाखोर, इनकी बलि वेदी पर किसानों की आहुति देना ही अब भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र बन गया। सच यह है कि भाजपा के शासन में किसानी अब मौत का अभिशाप बन चुकी, और 2016 में विशेषज्ञों के मुताबिक ये बढ़कर 14,000 किसान सालाना हो जाएगा 12,062 से। एक ऐसी सरकार जिसके शासन में 35 किसान आत्महत्या करते हो, 14,000 किसान हर साल देश पे आत्महत्या करने पर मजबूर हो, उसकी नीति नियत
जिला प्रभारी मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कोटा पहुंचकर तीन दिन होने वाले एग्रोमेट कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि हड़ौती संभाग में कृषि के क्षेत्र में नवाचारों की असीम संभावनाएं हैं। एग्रामीट का आयोजन किसानों को नवीन तकनीकी जानकारी के साथ साथ लहसुन, धनिया और स्थानीय उद्यानिकी उपज पर आधारित निवेश के लिए भी नए द्वार खोलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोटा संभाग राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में समृद्धिशाली है, जहां मृदा का उपजाऊपन, सिंचाई का पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही कहा कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा आए सुझावों पर अमल कर किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान सांसद ओम बिरला, कोटा शहर और ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मैं 24 मई को ग्राम का आगाज होगा और जिस प्रकार की तैयारी चल रही है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसानों के वेलफेयर के लिए, किसानों को नवाचार की जानकारी देने के लिए और सीधा इंट्रैक्शन साइंटिस्टों से हो, ये सारी व्यवस्था ग्राम के माध्यम से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तक जो व्यवस्था हुई है, लगभग अभी 60% से ज़्यादा काम मौके पे हो चुका है। अभी हमारे पास 2 दिन बाकी हैं, लेकिन सही समय पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का ड्रीम और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि किसान की 2022 तक आमदनी दुगनी कैसे हो, ये सारे यहाँ पर टिप्स किसानों को सिखाए। सीकर के फतेहपुर से लापता हुए ज्वेलरी व्यवसायी ललित पोदार का पुत्र ध्रुव का 8वें दिन सुराग लग ही गया। पुलिस ने देर रात मुंबई से ध्रुव को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करवा लिया है। हालांकि पुलिस ध्रुव को लेकर फतेहपुर नहीं पहुंची है। पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र मूर ने परिजनों को रात 2 बजे ध्रुव के मिलने की सूचना दी तो परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों ने भगवान और पुलिस को धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि 15 मई को ध्रुव को वार्ड 23 से अगवा किया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस ध्रुव की तलाश कर रही थी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने आजाद नगर में चल रहे देह व्यापार का भंडा फोड़ कर संचालिका के साथ कोलकाता की 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस संचालिका महिला से गहनता से पूछताछ कर रही है। प्रशिक्षु आरपीएस दिनेश कुमार ने बताया कि शहर में देह व्यापार की मिल रही शिकायतों पर मुखबिर की सूचना पर आजाद नगर के ओ सेक्टर स्थित मकान पर सेक्स रैकेट चल रहा था। इस पर टीम बनाकर मकान पर दबिश दी गई तो वहां पर एक महिला के साथ ही 2 युवतियां भी मिली हैं। ये दोनों युवतियां मुंबई और कोलकाता से भीलवाड़ा लाई गई। मुखबिर की सूचना पर हम ये आजाद नगर में एक मकान पहुंचे। मैं जाता, 2 जवान महिला कांस्टेबल, तो हमने देखा कि हमारे एक बुगस रकम वहाँ भेजा था, जो कुछ महिला संदेह हालत में वहाँ पाई गई। तो देखा तो वहाँ 3 महिला थी, जिनको हम मैं जाता के अपने सकेबा में लेके आया है। अभी पूछताछ जारी है। अलवर के बांसूर कस्बे के हरसोरा थाना क्षेत्र में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लावारिस शव मानते हुए दाह संस्कार करवाया और मामले की जांच में जुट गई है। मामला आलनपुर गांव का है। साधुपलपुर के महाराणा प्रताप चौक वार्ड 3 में देर रात्रि को एक मकान में आग लगने से एक युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। जानकारी के अनुसार वार्ड 3 में रात्रि 3 बजे शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। कमरे में सो रहे युवक नरेश स्वामी को चीखने चिल्लाने पर छत पर सो रहे परिजन नीचे आए और आग पर पानी डालकर बुझाने की कोशिश की। जब तक युवक जिंदा जल चुका था, मोहल्लेवासियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लिया। वे मृतक मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पोषण करता था।
अजमेर की जवाजा पंचायत समिति की अटल सेवा केंद्र पर पट्टा वितरण शिविर के दौरान हंगामा हो गया। वार्ड पंच पति और सरपंच पति के बीच हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। शिविर में प्रधान गायत्री रावत और आसपास की ग्राम पंचायतों के सचिवों ने दोनों को समझाने का प्रयास किया। वहीं सरपंच विजय लक्ष्मी बंशीवाल ने बताया कि पट्टा आवंटन को लेकर हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के सालासर NH-58 पाली पर स्थित टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों से टोल वसूलने के विरोध में ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश की। ग्रामीणों का आरोप है कि टोल कंपनी वाले खेत में जाते किसानों से भी टोल वसूल कर रहा था। उन्होंने बताया कि यदि स्थानीय लोगों से टोल वसूल किया जाएगा तो आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा के कस्बे में सड़क मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई, जिसके चलते राहगीरों सहित वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने विधायक सहित उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत भी कराया, पर अभी तक सड़क मार्ग जो है वो दुरुस्त नहीं हुआ है। गहरे गहरे गड्ढे होने से कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। वहीं इसी मार्ग पर स्थित पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जबकि इस मार्ग पर कामखेड़ा बालाजी प्रसिद्ध मंदिर पर उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है। सिरोही के रेवदर कस्बे की ग्राम पंचायत जीरावल के अटल सेवा केंद्र में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने उपस्थित ग्रामीणों को राजस्व विभाग के अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कर लाभ देने की बात कही, साथ ही सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से ग्रामीणों को रूबरू करवाया है। अभियान के तहत कई वर्षों से विवादित मामले को निपटाया गया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री प्रकाश रावल ने स्वच्छ भारत मिशन से ग्राम को स्वच्छ बनाने में सहयोग करने और हर घर में शौचालय बनाकर प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को सहयोग देने की बात कही। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र संघ शिक्षा वर्ग के द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर का आयोजन शहर के केशवनगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय परिसर में चल रहा है, जिसमें चार दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का प्रवास रहा। सोमवार को आरएसएस प्रमुख भागवत दिल्ली लौट गए। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहा। आपको बता दें कि शहर में चल रहे शिविर में तीन प्रांतों के 19 विभागों के 315 शिक्षार्थी भाग ले रहे हैं। शिविर का आयोजन 2 जून तक किया जाएगा। नागौर के मकराना में रेलवे स्टेशन पर आवारा पशुओं का जमावड़ा आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कई बार तो प्लेटफॉर्म पर भी ये पशु पहुंच जाते हैं और लोगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं, लेकिन फिर भी रेलवे विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते यात्रियों में खासा रोष व्याप्त है। जयपुर के प्रतापनगर स्थित हल्दीघाटी मार्ग पर सवेरे सवेरे दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक बाइक को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने चपेट में ले लिया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल को अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। वहीं बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन ट्रक का ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया है। लोगों ने बताया कि ट्रक चालक का लापरवाही से हादसा हुआ, उसने सड़क के किनारे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। इतनी जो ट्रक की भयंकर थी वो मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गई।
वहीं बच्चे का शव भी बुरी तरह से बिखर गया, जिसने भी हादसा देखा अवाक रह गया। अलवर के बहरोड़ में देर रात रास्ते को लेकर विवाद हो गया। बहरोड़ थाने के एएसआई ईश्वर सिंह, महिलाओं के बीच आपस में कहासुनी होने हो गई। हालात हाथापाई तक पहुंच गए। आपको बता दें कि रास्ते में गेट निकालने को लेकर विवाद चल रहा था। बीती रात 10 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और ऐसे में मामला शांत कराने को लेकर पुलिस ने करीब आधा दर्जन पुरुष और महिलाओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी पार्षद देशराज खरेरा और महिलाओं के बीच रास्ते में गेट निकालने को लेकर विवाद चल रहा था। महिलाओं ने पार्षद पर दबंगई का आरोप लगाया। मामले में पुलिस का कहना है कि महिलाओं ने ही जबरन थाने में आकर पुलिस से मारपीट की। रात को शिव कुमार ये आरएसी में है, ये 40-50 औरत आदमी एक ट्रैक्टर ट्रॉली एक गाड़ी में भरकर थाने पे ले आया था। थाने पे नारेबाजी करने लगे, इसको समझा इसके लिए ईश्वर सिंह ऐसा ही है, तो उन्होंने उसके संग मारपीट शुरू कर दी। इस पर हमने उसको समझाया, नहीं माने, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इन्होंने अंदर थाने में घुस करके अभद्र व्यवहार किया, अपने कर्मचारियों से मारपीट की, वह जब्त स्वतः 3 मोटरसाइकिलों की तोड़फोड़ कर दी। इनके खिलाफ धारा 147, 332, 353 3 PDPP एक्ट मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार 8 व्यक्ति। अजमेर के नसीराबाद कोटा मार्ग स्थित ग्राम भटियानी चौराहे के निकट एक पेट्रोल टैंकर और पिकअप में भिड़ंत हो गई, जिसे पिकअप में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एक पिकअप नसीराबाद से कोटा की ओर जा रही थी, तो वहीं कोटा की ओर से एक पेट्रोल पंप से भरा टैंकर नसीराबाद आ रहा था, तभी अचानक पिकअप से गलत ओवरटेक करते हुए सामने से आ रहे टैंकर को टक्कर मार दी, जिसे पिकअप में सवार यूपी निवासी कासिम को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे नसीराबाद चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। उधर एक दुर्घटना के बाद मौके पर जाम लग गया, जहां पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।